गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू. आई एम योर इंग्लिश टीचर और टुडे आई विल टीच यू इंग्लिश ग्रामर. इसमें देखिए क्लास सेवन्थ में पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें नाउन प्रोनाउन वर्ब प्रीपोजिशन इंटरजेक्शन कंजक्शन एडवर्ब एंड एडजेक्टिव. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपके ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं. फर्स्ट आता है नाउन. नाउन्स क्या है? नाउन्स क्या है? व्हाट इज नाउन्स? तो इसकी डेफिनेशन है, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस और थिंग. ठीक है, किसी स्थान व्यक्ति वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं. द वर्ड्स विच नेम पर्सन्स प्लेसेस थिंग्स एटसेट्रा आर कॉल्ड नाउन. जवाहरलाल नेहरू, इंडिया, टी, टेबल, टीचर, एटसेट्रा. ठीक है ना. अब प्रोनाउंस देखिए. प्रोनाउंस कहते हैं सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर आए. तो दोज वर्ड्स विच स्टैंड फॉर नाउंस, वे शब्द जो नाउन के स्थान पर आते हैं आर कॉल्ड प्रोनाउन, प्रोनाउन कहलाते हैं. एग्जाम्पल देखिए, ही, शी, दे, यू, इट, देम, एटसेट्रा. तो ये प्रोनाउन है. थर्ड आता है, थर्ड नंबर एडजेक्टिव. एडजेक्टिव किसे कहते हैं? दोज वर्ड्स विच डिस्क्राइब, वे शब्द जो डिस्क्राइब द नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं. ठीक है ना. आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स, भी एडजेक्टिव्स कहलाते हैं. स्प्लेंडेड, ग्रेट, बिग, एटसेट्रा. ठीक है. वर्ब्स क्या होती है? वर्ब्स एक्सप्रेस व्हाट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. तो वर्ब ये एक्सप्रेस करती है व्हाट द सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? इज और डज. वो क्या करता है? हैज और हैज और व्हाट इज डन टू इट, और इसके द्वारा क्या किया जा रहा है. मींस एवरीथिंग, मींस एवरी एक्शन इज वर्ब. जैसे डू, ईट, ड्रिंक, लाफ, इसमें डू करना एक्शन हो रहा है, ईट खाने में एक्शन हो रहा है, ड्रिंक एक्शन हो रहा है, लाफ एक्शन हो रहा है, एटसेट्रा. एडवर्ब द वर्ड्स विच मॉडिफाई वर्ब्स और अदर एडवर्ब्स, जो शब्द किसी संज्ञा या किसी विशेषण को मॉडिफाई करें. ठीक है, आर कॉल्ड एडवर्ब्स. एग्जाम्पल एक्सट्रीमली, डीपली, वेरी, डेली, एटसेट्रा. ठीक है, इसमें एडवर्ब में एक्सट्रीमली, डीपली, वेरी मतलब जो किसी वर्ब या एडजेक्टिव की विशेषता बताएं. ठीक है ना, तो ये एडवर्ब हो गया. ठीक है, इसको मॉडिफाई करें. वर्ब वह होती है क्रिया. ठीक है ना. अब एडवर्ब, वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव. तो वर्ब का मीन्स हो गया एक्शन, एडजेक्टिव का मीन्स जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताए, और एडवर्ब क्या है? जो वर्ब और अदर एडवर्ब की मॉडिफाई करे, विशेषता बताए. ठीक है ना. अब देखिए प्रीपोजिशन क्या है. दोज वर्ड्स नॉर्मली स्टैंड टू टेक पोजिशन बिफोर नाउंस. प्रीपोजिशन कैसे कहते हैं? प्रधन पोजिशन, प्रधन, प्र प्लस पोजिशन, प्र प्लस पोजिशन. तो पूर्व सर्ग, पूर्व सर्ग, तो ये होता है संज्ञा या सर्वनाम से पहले आए, वो होता है प्रीपोजिशन. ठीक है, जो अपने स्थान ले ले. दोज वर्ड्स नॉर्मली स्टैंड और टेक पोजिशन बिफोर नाउंस. एग्जांपल एट, विद, ऑन, आफ्टर, अक्रॉस, एटसेट्रा. कंजक्शंस, कंजक्शंस कहते हैं कनेक्ट, जोड़ने वाला, संयोजन, शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाला. ठीक है. दोज वर्ड्स विच जॉइन वर्ड्स और ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस आर कॉल्ड कंजक्शंस और कनेक्टर्स. तो कंजक्शंस आर ऑल्सो यूज टू जॉइन सेंटेंस, सेंटेंस को जोड़ने में यूज होता है, फ्रेजेस को जोड़ने में यूज होता है. ठीक है ना. तो एंड और, आइदर, नाइदर, नॉर, एटसेट्रा एग्जाम्पल है इसकी. 8 आता है इंटरजेक्शंस. इंटरजेक्शंस कहते हैं विस्मयादिबोधक. ठीक है. तो द वर्ड्स विच एक्सप्रेस ए स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग, सरप्राइज, जहाँ हमारी सडन फीलिंग निकलती है. ठीक है, हमारे हार्ट से जॉय, फियर, सैडनेस, खुशी की भी होती है, दुख की भी होती है, उसमें घृणा भी होती है. ठीक है ना. तो आर कॉल्ड इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन उसे कहते हैं. ठीक है ना. अब इसी एक्सरसाइज पार्ट टू, वीडियो के पार्ट टू में हम इसकी एक्सरसाइज आपको करवाएंगे. ठीक है ना. एक्सरसाइज में आपको फाइंड आउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच इन योर फॉलोइंग सेंटेंस,
इसमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको ढूंढने हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपको मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, ठीक है ना। ओके।